नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। जब हम अपने स्किन, बाल और हाथों का ख्याल रखते हैं तो यकीनन हम चाहेंगे कि हमारे पांव भी बहुत खूबसूरत, नीट एंड क्लीन लगें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पांव का ख्याल भी रखा जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ओपन शूज़ के इस्तेमाल से या फिर विंटर सीजन में हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाती हैं और साथ ही साथ स्किन भी ड्राई हो जाती है, और ड्राई हील और क्रैक हील्स के साथ पांव दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और अगर हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक हों तो काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। अगर आपके पाँव के साथ इनमें से कोई भी इशू है तो आज की रेमेडी को इस्तेमाल करके आप इन तमाम इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं, और इस रेमेडी को आपने डेली रात सोने से पहले फॉलो करना है, और विद इन अ वीक ही आपको अपने पाँव की स्किन में बहुत क्लियर डिफरेंस फील होगा, बल्कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप रिजल्ट्स देख सकेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल है पेट्रोलियम जेली 2 टेबलस्पून, कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून, और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है लिपस्टिक यानी लिप कलर। आप घर में मौजूद कोई भी नेचुरल पिंक कलर की लिपस्टिक का 1/2 इंच का पीस ले सकते हैं। और अब हम इस फीट क्रीम को तैयार करते हैं, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डबल बॉइलिंग मेथड। एक बोल लें और इसमें तीनों चीजों को मिक्स करें। इसके बाद एक पैन लें और इसमें पानी डालकर तेज गर्म करें, और इसके बाद वो बोल जिसमें हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे इसमें रख देने हैं। लेकिन ख्याल रखिए कि पानी का लेवल इतना हो कि वो पेट्रोलियम जेली, कोकोनट ऑयल और लिपस्टिक के बोल में ना जा सके। अब इस मिक्सचर को चम्मच से हिलाते रहें। 2 से 3 मिनट के बाद तीनों चीजें अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगी, तो इसे पानी वाले पैन से निकाल लें और नीम गर्म होने पर किसी ग्लास जार या कंटेनर में शिफ्ट कर लें। हमारी DIY फीट क्रीम बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले पांव अच्छी तरह वॉश करें, और जब पांव की स्किन हल्की नम हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी में क्रीम लें और पांव पर अच्छी तरह अप्लाई करें। आपने बहुत अच्छी तरह क्रीम से पांव के ऊपर और नीचे हील एरिया पर मसाज करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के मसाज के बाद आप कोई भी कॉटन सॉक्स पहन लें। पूरी रात के लिए सॉक्स को नहीं पहनना, बल्कि 10 से 15 मिनट तक सॉक्स को पहन कर रखें, ताकि क्रीम बहुत अच्छी तरह पांव की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट डे जब आप पांव वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पांव की स्किन न सिर्फ बहुत सॉफ्ट और स्मूथ है, बल्कि इसके साथ साथ एक नेचुरल पिंक कलर भी स्किन पर अचीव होगा। सो ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।